हाँ भैया जा सकते हैं ना स्पीति? आपका नाम है? डॉक्टर विश्वा मोरा। विश्वा मोरया, ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामपुर, बैक टू चैनल, न्यू वीडियो। आज स्टे 2 है और आज हम स्पीति वैली की ओर जाएंगे। रात हम रामपुर में आके रुक गए थे, स्टे किया, घर से सीधा रामपुर आए थे, जो कि लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। और आज हम आगे स्पीति वैली की ओर बढ़ रहे हैं। मौसम थोड़ा सा ख़राब है, अगर मौसम ज़्यादा ख़राब हुआ तो कहीं रुक जाएंगे, वरना आगे बढ़ते जाएंगे। रात को हम उधर गए थे थोड़ा घूमने के लिए, पुल पे थोड़ा फोटो क्लिक करी थी, तो आपको इसमें वीडियो के लास्ट में थोड़ी शेयर कर दूँगा एक दो। और बाकी बादल देखो, ऊपर आसमान पूरा बादलों से कवर है। ओके बस रेडी हैं, अब चलते हैं फिर। हाँ भाई चलेंगे, चले भैया फिर, रेडी हो जाओ। अब पानी तो ऐसे चलता रहता है, उतरता रहता है, ऐसे ही है, धीरे धीरे उतार चढ़ाव ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्यों? क्या बोलते हो? ओके है, ओके ओके ओके, सो फार सो गुड, अच्छा ही होगा। अगर भगवान इतनी दूर लेके आए हैं तो आगे भी लेके जाए। ये कैसा लग रहा है भाई टोपी लगा के? ये टोपी गोवा की पर घूम हिमाचल में रहे हैं ये। हाँ भाई चले, चलो भाई, चलो भाई, ओके। बजरंग बली का नाम लेके चलते हैं, अभी चेकआउट करते हैं और बिल्कुल देखें। ये इनका डाइनिंग रूम है, बैठ के आप खाना वाना खा सकते हैं। इधर से भी इनका व्यू दिख सकता है होटल का, आराम से इधर बैठ के खाओ, खाना खाओ और साथ में व्यू एंजॉय करो। इधर बैठ के सकते हैं, ये इधर रिवर। हाँ खाना पीने का सामान, पसावा टूट गया, साइड डब्बा गिरेगा, बिस्कुट। और हमने लोकल से पता गिरा। हाँ भैया जा सकते हैं ना स्पीति? हाँ आराम से, गाड़ियाँ जा रही हैं टूरिस्ट की। बहुत बहुत थैंक यू। पता ना, थोड़ा थोड़ा लोकल से पता करते रहो, पता लगता रहता है कि आगे का माहौल कैसा है। इधर सामान वान पहले तो हमने लगेज पहले तो फिट कर दिया था, पहले आके ये भाई साहब जब ये देखो सारा सामान हमने यहाँ फिट कर दिया था पहले। इधर का व्यू हल्की हल्की आ रही है बारिश, इतनी कोई बात नहीं। गाड़ियाँ वैसे जा रही है टूरिस्ट की, पर फिर भी हम तो दूर से आए ना, थोड़ा थोड़ा डर लगता रहता है इधर से कि आगे क्या होगा क्या नहीं। बारिश बिल्कुल ना हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए। हम घर से इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा, वैसे तो टूरिस्ट जा रहे हैं, अगर सभी रुकेंगे तो हम भी रुक जाएंगे। टाइम हमारे पास बहुत है, खुला टाइम है। हमने 8 डे इसके लिए ट्रिप के लिए सोचे थे, मतलब डिसाइड किए हैं, सभी ने 8 डे की छुट्टी ली है। हाँ ठाकुर जी चले। गाड़ी में बैठ के और अभी जा रहे हैं यहाँ से कल्पा के लिए। सब रेडी है, पूरे जोश में है, और लेके फिर बजरंग बली का नाम लेते हैं, चलते हैं। बोलो बजरंग बली की जय हो। चलो फिर आगे दिखाते हैं फिर आपको क्या है क्या नहीं। ठीक है, स्पीति सीरीज को एंजॉय करना। आज 2nd डे है, गाना सुना दे भाजी, कॉपीराइट ना जाए बस यूट्यूब पर। चैनल को सपोर्ट करना गाइस, आपके लिए हम इतनी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारा तो नहीं खरा, आपका ही चैनल है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो ये एक छोटा सा लाइक, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगी तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। क्योंकि अगर एक सब्सक्राइबर आपका बढ़ेगा और थोड़ा आप वीडियो के नीचे कमेंट वगैरह करते रहोगे ना, तो हमारा हौसला बना रहेगा। क्योंकि पहली बार बना रहे हैं, हमें इतना कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी चलो कोशिश। अभी एक लोकल से पता किया था कि अभी गाड़ियाँ जा रही है ऊपर को, बट 2 दिन के बाद रोड क्लोज हो जाएगा। अभी चलते हैं, रोड का काम चल रहा है, इसलिए रोड बंद हो जाएगा। ऐसे ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पता करते रहो ना। अभी यहाँ से जर्की जाएंगे हम, जर्की के बाद आएगा जूरी, फिर आगे आके जो भी स्टेशन आता है आपको दिखाऊंगा, दिखाते हैं। बहुत कुछ है यार, प्लान भी बहुत टाइम करना हुआ है, पूरा हो जाएगा हमारा। पहली वाटर क्रॉसिंग आ गई है, स्पीति की पहली वाटर क्रॉसिंग, फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग आ गई है स्पीति वैली की। हाँ भैया कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। गुड नेम? डॉक्टर जेनल बोरा। डॉक्टर हो आप, ठीक है। ये भाई साहब ये अपने डॉक्टर है, ठीक है। आपका नाम है मैडम? विश्वा मोर्या, ठीक है। और ये भाई साहब अहमदाबाद से शिमला तक आए हैं साइकिल पे, फ्लाइट से आए हैं, और आगे अभी साइकिल से जा रहे हैं काजा। मतलब एक बहुत बड़ी बात है यार, साइकिल पे हमको अभी 5256 फीट पे है, 5256 फीट से चालू किया तब से 800 फीट चढ़े हैं। भाई भाई आपकी हिम्मत है सर, गुड लक, ओके, ऑल द बेस्ट, ओके मैडम। और तुम आपके दुल्हन को मुझे बसमान दे मैंने। बाबानगर 26 किलोमीटर है, टपरी यहाँ से 45 किलोमीटर है, सांगला 71 किलोमीटर है, चितकुल 95 किलोमीटर। पहले हमने चितकुल जाना था, पर किसी ने बोला कि चितकुल का रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, वहाँ पे कोई काम वाम चल रहा है, उधर थोड़ा बंद है, तो चितकुल हम नहीं जा रहे। अब हम सीधा कल्पा जा रहे हैं। पहले चितकुल है, चितकुल जाना था। चितकुल में एक ढाबा है जो कि इंडिया का लास्ट ढाबा है, उसके आगे चाइना बॉर्डर है। नीचे जा रहा है ये सतलुज रिवर, तो ये पूरा रामपुर साइड जाएगा। इधर अपनी गाड़ी पार्क की है साइड में। मौसम अच्छा है, वेदर अच्छा है, इधर बारिश नहीं है, रुकी है बारिश में। ये बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। जब किन्नौर एंटर करते हैं ना, तब एक ये बैरिकेड है, बैरिकेड लगा हुआ मतलब, और आगे नाका है पुलिस का, हिमाचल पुलिस का। यहाँ पे कुछ नहीं, बस अपना नाम, नंबर, गाड़ी का नंबर और सब तो किया जाता है, रिकॉर्ड करेंगे ताकि इन्हें पता चल सके कि हम यहाँ से लोग गए हुए हैं, कितने लोग गए हैं, कितने लोग आए हैं, सब कुछ। किन्नौर एंटर करते ना एक बहुत सुंदर व्यू आता है, ये तो देखना बनता ही है, आपको भी दिखाते हैं। अभी ये देखो, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत बड़ा पहाड़ है। और जब एंटर करोगे ना, एंट्री करवाने के बाद ये नज़ारा, खूबसूरत सा नज़ारा। आप अगर यहाँ आते हो तो आप यहाँ ज़रूर रुकना एक बार, अच्छा लगेगा आपको। ये पूरा पहाड़ है ऊपर, और इसके से बीच में से काट काट के ना रास्ता बनाया गया है। यहाँ आओ तो एक बार जरूर रुकना, बहुत अच्छी जगह है यार, बहुत खूबसूरत जगह है। एक बार जरूर बनता है स्पीति जाने का, एक बार जरूर। नेक्स्ट टाइम सोचेंगे विंटर में आए, बट अभी हम समर में आए हैं। पीछे से आपको मैं दिखा देता हूँ व्यू। लास्ट टाइम जो लैंडस्लाइड हुई थी ना, वो यहीं पे हुई थी, यही है बस। अभी कुछ दिन पहले सितंबर में हुई थी वो लैंडस्लाइड, जिसमें क्या जारखी जी की बस का हादसा हुआ था। रोड जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे कंजस्टेड होते जा रहे हैं। बट अमेजिंग है। बाबानगर 6 किलोमीटर रह गया। रोड की कंडीशन आर वेरी गुड, बहुत अच्छी रोड है। उधर से कौन सा रास्ता आया था भैया, अभी पीछे कौन सा शहर आया था? पलिंगी नाम का एक विलेज है, उसके बाद से ये रोड स्टार्ट हो गया। NH5 है, बहुत अच्छी रोड है, बहुत 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 अच्छी रोड है। इट्स नाइस। कल्पा की तरफ भी यार बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड वगैरह हो रहे हैं, तो किसी ने आसपास के लोकल से पूछा है कि आप उधर से मत जाओ, आप सीधा नाको निकल जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ऊपर से वो आपको जाने नहीं देंगे। तो अब देख रहे हैं आगे, तो अभी तो रेकोंग पे जाएंगे, फिर देखते हैं वहाँ से। अगर किसी से पूछते हैं, अगर वो कोई कहता है कि रोड क्लियर है तो कल्पा जाएंगे, वहाँ पे एक सुसाइड पॉइंट है, ठीक है, नहीं तो फिर सीधा नाको।